हेलो जागरूक जनता, आई एम श्योर अब तक आप इतना तो समझ चुके हो कि इन्वेस्टिंग जल्दी करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए और म्यूचुअल फंड्स सही है। बट आप मुझे ये बता सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स को एग्जिट कब करना चाहिए? ऑफ कोर्स इसका एक ऑब्वियस आंसर है कि जब भी वो गोल अचीव हो जाएगा तो एग्जिट कर लेंगे, ये तो सबको पता है। बट लेट्स से मेरी रिटायरमेंट में अभी 34 साल बाकी हैं, मतलब 34 सालों के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं 34 साल से पहले अपने म्यूचुअल फंड का पैसा नहीं निकालूंगा? बिल्कुल गलत है। मैं इस पूरे ड्यूरेशन में मल्टीपल टाइम्स पे अपने म्यूचुअल फंड्स में से एग्जिट करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद म्यूचुअल फंड्स सही की जगह म्यूचुअल फंड्स मेरे लिए गलत हो जाएंगे और जो वेल्थ मैं बनाने की सोच रहा था रिटायरमेंट तक, हो सकता है वो वेल्थ मैं बनाने की बजाय डिस्ट्रॉय कर दूं, या फिर काफी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिनकी वजह से मैं वो वेल्थ से भी ज्यादा पैसा बना पाता वो मेरे हाथ से निकल जाती। सो दिस इज मनी माइंडेड मनदीप एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए, ये जानना शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें से एग्जिट कब करना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन टू एग्जिट योर म्यूचुअल फंड इज कंसिस्टेंट एंड पुअर परफॉर्मेंस। अब इसमें जानबूझकर मैंने कंसिस्टेंट वर्ड रखा है ताकि आप पिछले कुछ हफ्तों की या पिछले कुछ दिनों की परफॉर्मेंस को देखकर डीमोटिवेट होकर उसको एग्जिट ना करें। रिटर्न्स हमेशा ऊपर नीचे होते रहेंगे, मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहेगा, आपको लॉन्ग टर्म में देखना है कि आपका एनुअल रिटर्न क्या बन रहा है, तो पिछले कुछ दिनों की और हफ्तों की परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती है। बट आपको ये जरूर पता लगाना है कि क्या आपका म्यूचुअल फंड बहुत ही लंबे टाइम तक हमेशा ही पुअर परफॉर्म करता आया है या नहीं। वो पता लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अपने म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करो। ये गलती मत करना कि किसी भी म्यूचुअल फंड को आप निफ्टी 50 से या सेंसेक्स से कंपेयर करने लग जाओ, काफी लोग ऐसा करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, लेट से आपने एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया। अब स्मॉल कैप फंड है तो वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करेगा, तो आप कैसे इस फंड को निफ्टी 50 से या सेंसेक्स से कंपेयर कर सकते हो? इट डजंट मेक सेंस। तो कंपेयर हमेशा उस फंड के बेंचमार्क इंडेक्स से ही करना होता है। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 100। तो आपको ये देखना है कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 से इसके रिटर्न्स ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं। अगर कम आ रहे हैं दैट मींस ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और ज्यादा है और कंसिस्टेंटली ज्यादा है मतलब ये बहुत अच्छा फंड है। दूसरा चेक आप कर सकते हो, इस फंड के रिटर्न्स को कैटेगरी एवरेज से कंपेयर कर सकते हो। मतलब जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं उनका जो एवरेज रिटर्न आ रहा है क्या उस लाइन से ऊपर आपके फंड की लाइन है या नहीं है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्लास के सारे बच्चों में से जो आपका बच्चा है वो अबव एवरेज स्कोर करता है। और इसी से एक और बात कंक्लूड हो जाती है कि आपको हमेशा उस फंड के पीछे नहीं भागना है जो अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है, क्योंकि इस बात की गारंटी कोई फंड देता नहीं है और इस बात को प्रिडिक्ट आप कभी कर नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल 2021 में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्मॉल कैप फंड्स में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं उसी फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि वो रिटर्न्स तो अब आ चुके हैं। इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं है कि 2022 में भी वही फंड सबसे आगे रहेगा, और ये बात हम बहुत बार ऑब्जर्व कर चुके हैं। जो फंड आज फर्स्ट नंबर पे है वो अगले साल फिफ्थ पे हो जाएगा, टेंथ पे हो जाएगा। तो कभी भी क्लास के टॉपर को आपको चेज नहीं करना है, आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि आपका फंड कैटेगरी एवरेज से तो बेटर रिटर्न्स दे रहा है। और आपकी पूरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जर्नी में अगर वो सच में एक अच्छा फंड है तो वो मल्टीपल ईयर्स पे क्लास का टॉपर भी बन जाएगा, और नहीं भी बना तो आपको एटलीस्ट मार्केट से तो बेटर रिटर्न्स मिल ही रहे हैं। और आपका फंड अगर हमेशा ही अबव एवरेज कैटेगरी में रहता है तो इस बात के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे कि 20-25 साल की इन्वेस्टिंग जर्नी में 4-5 साल वो भी टॉपर बनेगा। अब लेट से पुअर परफॉर्मेंस की वजह से आपने अपना म्यूचुअल फंड एग्जिट कर दिया, वो पैसा आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाना है, और वहां आएगी आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। पहले ही आपको बहुत स्ट्रगल हुआ इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते टाइम एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करने की, और वो एक्सपीरियंस भी आपका खराब हो गया क्योंकि उसने पुअर रिटर्न्स दिए। तो इस बार आप म्यूचुअल फंड कैसे चूज करोगे कि वो सेम गलती ना हो? उसके लिए आई हाईली रेकमेंड ईटी मनी ऐप, जो इस वीडियो की स्पॉन्सर भी है। अब ये ऐप मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली इस ऐप का एक फीचर बहुत यूजफुल लगता है, और वो फीचर है म्यूचुअल फंड का रिपोर्ट कार्ड। आप ईटी मनी ऐप में किसी भी म्यूचुअल फंड को जब सर्च करेंगे तो उसकी डिटेल्स को स्क्रॉल डाउन करने पर आपको ये रिपोर्ट कार्ड दिखेगा। एंड बेसिकली जितनी भी मेहनत हम यूजुअली एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं वो सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद ये रिपोर्ट कार्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको ये पता चलेगा कि फंड के रिटर्न्स कितने कंसिस्टेंट रहे हैं, अगर फंड ने एडिशनल रिस्क लिया था तो उसके बदले एडिशनल रिटर्न्स कितने आए हैं,
और मार्केट करेक्शंस के टाइम पर लॉसेस को कितना कंट्रोल्ड रखा था इस फंड ने, एंड जो ओवरऑल रिटर्न्स आए हैं वो कितने ज़्यादा स्टेबल हैं, दैट मीन्स कितनी कम उसमें वोलेटिलिटी है। एंड ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद उसको एक ईटी मनी रैंक भी अलॉट होती है। और मुझे ये रैंक खासकर बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसको निकालने के लिए सिर्फ हाई रिटर्न्स नहीं बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। एंड ऑफकोर्स ना सिर्फ म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन बल्कि आप उसी ऐप को यूज़ करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट भी कर पाओगे। एंड बोलने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर नहीं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आपको अवेलेबल हैं इस ऐप में, मतलब कि लाखों रुपये का कमीशन सेव करके आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डू चेकआउट द ऐप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगला बहुत बड़ा रीजन आपके म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने का इज कॉल्ड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, जो बोलते बहुत लोग हैं करता कोई नहीं है। आप भी मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप एसेट एलोकेशन फॉलो करते हो या नहीं करते हो, और अगर आप पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करते हो तो आपका रीबैलेंस करने का क्या स्टाइल है। एसेट एलोकेशन ही वो चीज है जो इंश्योर करेगा कि आपके गोल्स अचीव होंगे, बट यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा इग्नोर होती है। तो सबसे पहले बताता हूँ एसेट एलोकेशन होता क्या है। लेट से आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपने 100% वो पैसा इक्विटी में डाल रखा है, यानी स्टॉक्स ले रखे हैं या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं। अब लेट से स्टॉक मार्केट क्रैश आता है, लास्ट ईयर आया ही था 40% का, तो अगर 40% का क्रैश आ जाता है ऐसे सिनेरियो में तो आपके 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे 60 लाख रुपीज। और फिर चाहे कोई कितना ही बोल ले कि दिस इज जस्ट नोशनल लॉस, हमें इस टाइम पे एक्चुअली और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रियलिटी ये है कि 90% इन्वेस्टर्स आर जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड टू सी दैट काइंड ऑफ अ लॉस। तो अब समझते हैं सिनेरियो बी। आपने इसी 1 करोड़ रुपए को डिसाइड किया कि 60% डालोगे इक्विटी में यानी स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, 30% डालोगे डेट में और 10% डालोगे गोल्ड में। अब ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल चुका है कि अगर इक्विटी में 40-50% का करेक्शन आता भी है तो आपको 1 करोड़ रुपए पर लॉस नहीं होगा, 60 लाख रुपीज पर लॉस होगा। एंड अगर स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन आता भी है तो जो आपका गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है वो राइज करेगा। तो जहां सिनेरियो ए में आपको ओवरऑल 40% का लॉस होता, वहां सिनेरियो बी में आपके लॉसेस काफी कंटेन्ड रहते और रात को थोड़ी सी अच्छी नींद आती। अब जरा समझते हैं चीजें अच्छी हो जाती हैं तो क्या होता है। तो जैसा कि आपने देखा ही है, लास्ट एक साल में बहुत ही बढ़िया बुल रन आया, आपके जो 60 लाख रुपीज थे इक्विटीज में वो हो चुके हैं 90 लाख रुपीज, आपके जो 30 लाख रुपीस थे डेट में लेट से वो हो चुके हैं 32 लाख रुपीस, और गोल्ड में आपके 10 के 11 लाख हो चुके हैं, और ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से बढ़कर 1 करोड़ 33 लाख रुपए हो चुका है। बट अब एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये कि आपने अपने लिए ये डिसाइड किया था कि मेरा एसेट एलोकेशन हमेशा 60-30-10 ही होना चाहिए, बट अब अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो बनेगा 90-32-11। दैट मीन्स अब आपको थोड़े से एडजस्टमेंट करने हैं। वो एडजस्टमेंट क्या होगा, आपके 1 करोड़ 33 लाख का 60% इक्विटी में होना चाहिए और वो होता है 79.8 लाख रुपीज, और करेंटली आपके इक्विटीज हैं 90 लाख पे, मतलब इक्विटी में से आपको 10.2 लाख रुपीज निकालने हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स अगर हैं तो एग्जिट करना है, स्टॉक्स हैं तो उनको बेचना है, और 10.2 लाख रुपीज निकाल कर आपको डेट एंड गोल्ड में डालना है। डेट में पूरे पोर्टफोलियो का जाना चाहिए 30%, दैट मीन्स 39.9 लाख, और अभी डेट में है 32 लाख, दैट मीन्स आपको 7.9 लाख रुपीज डेट में ऐड करने हैं और 2.3 लाख रुपीज सिमिलरली गोल्ड में भी ऐड करने हैं। ये करने के बाद एक बार फिर से आपका एसेट एलोकेशन हो जाएगा 60-30-10 आपके 1.33 करोड़ रुपीज के पोर्टफोलियो का। इसका उल्टा हो गया तो क्या होगा, लेट से 50% का क्रैश आ जाता है तो आपकी 60 लाख की इक्विटीज हो गई 30 लाख रुपीज की, आपका जो 30 लाख का डेट था वो हो चुका है 40 लाख, और गोल्ड आपका डबल हो चुका है 10 से 20 लाख हो चुका है, और वो इसलिए हुआ क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैनिक है। अब इस पॉइंट पर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से घटकर 90 लाख रुपीस का हो चुका है और उसका एसेट एलोकेशन भी चेंज हो चुका है। तो 90 लाख का 60% यानी 54 लाख रुपीज आपका इक्विटी में होना चाहिए और अभी कितना है 30 लाख रुपीज। दैट मीन्स अगर आपको फिर से 60-30-10 के हिसाब से रीबैलेंस करना है तो 90 का 60% होता है 54 लाख रुपीज, 30% होता है 27 लाख रुपीज, और 10% होता है 9 लाख रुपीज, यानी डेट और गोल्ड में से अप्रोप्रिएट पैसा निकालकर आपको 24 लाख रुपए इक्विटी में डालने पड़ेंगे। अब ये एसेट एलोकेशन भी आपके ओवरऑल वेल्थ का नहीं होता, एसेट एलोकेशन आपको अलग अलग गोल्स का करना चाहिए क्योंकि हर गोल का ड्यूरेशन अलग है तो हर गोल का अलग रिस्क हो सकता है। एंड आपके बोलने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, एसेट एलोकेशन पे एक वीडियो सीरीज मैं प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आने वाली है। अब इससे एक चीज आपको ऑटोमेटिकली समझ आनी चाहिए, आपने वो कॉन्सेप्ट सुना होगा, बाय लो सेल हाई,
जो बोलने में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है, बट अगर आप अपना एसेट एलोकेशन फॉलो करोगे तो आप एग्जैक्टली यही चीज़ फॉलो कर रहे हो। आप बाय लो कब करोगे? जब आपका स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, तभी आपका एसेट एलोकेशन आपको एनकरेज करेगा कि भैया ज़्यादा पैसा इक्विटीज़ में डालो। दैट मीन्स आप बाय लो कर रहे हो। और जब स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है, यूफोरिया है, तब आपको आपका एसेट एलोकेशन एनकरेज करेगा कि इक्विटी में बहुत ज़्यादा पैसा हो चुका है, यू बेटर सेल सम थिंग्स एंड मूव इट टू डेट एंड गोल्ड। ये करने से ना सिर्फ आप बाय लो सेल हाई कर सकते हो, आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क कम कर सकते हो। और अगर आप अपना रिस्क को कंटेन करना सीख गए, तभी आप 20-25 साल के लिए इन्वेस्टिंग कर पाओगे, तभी आप में इतना कन्विक्शन आएगा। तो अब बात आती है कि रीबैलेंसिंग करनी कैसे है। इसके अलग अलग टाइप होते हैं। या तो आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं कि मैं हर 6 महीने में या हर 1 साल में अपने पोर्टफोलियो को देखूंगा और अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से रीबैलेंस कर लूंगा। या फिर आप एक ट्रिगर बेस्ड मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका एलोकेशन है अभी 60-30-10। आपने ये डिसाइड किया कि जब भी ये नंबर्स 5% से ऊपर या नीचे जाएंगे, तब मैं इसको एक बार रीबैलेंस जरूर करूंगा। 5% की बजाय आप 10% भी डिसाइड कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स, जितना हायर परसेंटेज नंबर आप लोगे, उतना ज़्यादा रिस्क टॉलरेंस आपकी होनी चाहिए। और थर्ड तरीका होता है टैक्टिकल रीबैलेंसिंग, विच इज़ ईजियर सेट दैन डन, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट को टाइम करने की, जो कि आपको कोई भी रेकमेंड नहीं करेगा। और ये ईजियर सेट दैन डन है क्योंकि आपको अपनी नॉलेज और अपना स्किल लगाकर ये कॉल लेना पड़ेगा कि क्या मार्केट अभी अपने टॉप पर है, और अगर है तो हमें इक्विटी को कम करके पैसा डेट में शिफ्ट करना चाहिए। और इसका उल्टा हुआ तो आपको ये कॉल लेना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बुल रन आने वाला है, तो अच्छा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं इक्विटी में रखूँ। अगला पॉइंट, जिसको मैं थर्ड नहीं 2B बोलूंगा, 2B इसलिए क्योंकि इसका नाम है प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग की ज़रूरत आपको वैसे तो नहीं पड़ेगी अगर आप एसेट एलोकेशन फॉलो करते हो और पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करते हो तो, बट वॉट इफ आपने कुछ टैक्टिकल कॉल्स लिए हैं एंड कुछ म्यूचुअल फंड्स में आपने सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट किया है क्योंकि सर्टेन सेक्टर्स आर फेवरेबल या फिर सर्टेन मार्केट कंडीशंस आर फेवरेबल। फॉर एग्जाम्पल, आप वैसे तो कंजर्वेटिव या मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, बट आपको पता है कि जब भी मार्केट क्रैश होता है तो स्मॉल कैप फंड्स काफ़ी चीप हो जाते हैं, और उस टाइम पर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप आने वाले कुछ टाइम में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स कमा सकते हो। बट दैट डजंट मीन कि आपको उस फंड में रिटायरमेंट तक बने ही रहना है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे दिखेंगे, आप कंफर्टेबल हो वो पैसा कमा कर, और आप उसमें से एग्जिट करना चाहोगे। बट वहाँ पर आपको ध्यान इस बात का देना है कि जो नया पैसा आपने बनाया है इसको कहाँ एलोकेट करना है। इस चीज़ का अगर आपके पास प्लान नहीं है और वो पैसा आपने सेविंग्स बैंक में ही रख दिया, तो फिर कुछ खास मज़ा नहीं आया। तो एग्जिट करते टाइम ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये पैसा अब वापस से इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएगा या डेट में जाएगा या गोल्ड में जाएगा, और फिर उसको भेजना भी है उधर। नेक्स्ट रीजन टू एग्जिट योर म्यूचुअल फंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। लेट से आपका एक इन्वेस्टिंग गोल है जो 20 साल दूर है, उसमें आपको 1 करोड़ रुपए की वेल्थ जनरेट करनी है, और करेंटली आप अपने 16th ईयर में हो और आप ऑलरेडी 80 लाख रुपीज जोड़ चुके हो, और आपका उस गोल को लेकर जो करंट एसेट एलोकेशन है वो 70-30 है, यानी 70% इक्विटी में पड़ा है और 30% पड़ा है डेट में। अब आप जरा दिमाग लगा के सोचो, 16th ईयर में अगर स्टॉक मार्केट क्रैश आता है 40% का, तो आपका जो 70% पैसा इक्विटी में पड़ा है वो सडनली 40% ड्रॉप हो जाएगा, तो आपके जो 56 लाख रुपीज इक्विटी में पड़े हैं वो सडनली आधे हो जाएंगे। और अब आपका गोल अचीव होने में बस 4 ही साल बाकी हैं। 4 साल में आप कैसे भी करके वापस से 1 करोड़ रुपए तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब भी आपका गोल नज़दीक आने वाला होता है, तो लास्ट के 4-5 साल में आपको हर साल अपना इक्विटी एक्सपोजर कम करके वो पैसा डेट या गोल्ड में डालना चाहिए, और ओवर टाइम आपका जो एसेट एलोकेशन है वो 70-30 से चेंज होकर मे बी 10:90 हो जाए। When you are this close to achieving your goal, you cannot afford to take any risk on your money. तो आपको पहले अपना गोल आइडेंटिफाई करना है, कितना समय बचा है उसको अचीव करने के लिए वो आइडेंटिफाई करना है, आज का एसेट एलोकेशन क्या होगा वो आइडेंटिफाई करना है, एंड लास्ट के 5 सालों में वो एसेट एलोकेशन कैसे चेंज होगा, यानी कितना परसेंट आप अपनी एक्विटीज़ में से बेचकर डेट में डालोगे ताकि आप अपने गोल के नज़दीक भी आते रहें और उस अमाउंट पे जो रिस्क है वो हर साल कम होता रहे। इससे एक और बात कंक्लूड होती है, कहने को मेरे पास 34 ईयर्स हैं वेल्थ बनाने को, बट अगर मुझे प्योर इक्विटी गेम खेलना है तो मेरे पास 34 ईयर्स नहीं है, मे बी 25 ईयर्स हैं या 30 ईयर्स हैं मैक्सिमम। लास्ट के सालों में मैं अपना इक्विटी एक्सपोजर को 70-60% बिल्कुल नहीं रख पाऊंगा। तो इसको करने का भी एक सिस्टमैटिक तरीका है, एक्चुअली 2 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, दैट इज STP। अगर आपका लेट से HDFC AMC में एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है,
आपको उसमें से हर साल या हर महीने कुछ पैसा निकाल कर उसी AMC के लिक्विड फंड में या डेट फंड में ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए आप एक STP सेटअप कर सकते हो। तो आपको फ्रीक्वेंटली मैन्युअली पैसा निकाल कर दूसरे फंड में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो AMC आपके बिहाफ पर आपकी कही हुई डेट्स पर उतना अमाउंट निकाल कर किसी दूसरे फंड में डाल देगी। चैलेंज ये है कि अगर आपको किसी दूसरी AMC के डेट फंड में पैसा डालना है तो उसमें STP काम नहीं करेगा, फिर आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर आपको इक्विटी फंड से पैसा निकालना है बट डेट फंड में नहीं डालना है, या इनफैक्ट किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना है, बस विड्रॉ करना है, और वो भी आपको थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंसी में करना है, तो आप एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी सेटअप कर सकते हो। उसमें आपकी स्पेसिफाइड डेट्स पर एक सर्टेन अमाउंट म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करके आपके बैंक में भेज दिया जाएगा। ये STP और SWP का जो फीचर है, ये भी आपको आपकी ऐप में मिल जाएगा। अगला रीजन टू एग्जिट योर म्यूचुअल फंड, व्हेन योर फंड मैनेजर गेट्स रिप्लेस्ड। अब कई बार क्या होता है, आपने पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि आपको AMC पर नहीं, एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर पर भरोसा है, और अब वो पर्टिकुलर इंसान उस फंड को मैनेज नहीं कर रहा है, उनकी जगह कोई दूसरा आ चुका है। दैट डजंट मीन कि अब से हमेशा परफॉर्मेंस बेकार ही रहने वाली है, बट दैट ऑल्सो मीन्स कि आपका भरोसा कंपनी पर नहीं, म्यूचुअल फंड पर नहीं, एक पर्सन पर था। तो अगर उस टाइम पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि ऑब्जर्व करना चाहिए, बने रहना चाहिए एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में, तो उस दौरान आप पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स को केयरफुली रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। डोंट वरी, ज्यादा होमवर्क नहीं करना है, आपके ईमेल पर मंथली पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर हमेशा आते ही हैं। उसको आप स्टडी करो और ये देखो कि उसका सेक्टोरल एलोकेशन कैसा है, और अगर आपको पता चलता है कि टोटल AUM का काफी बड़ा हिस्सा एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टेड है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पिछला फंड मैनेजर था वो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करता था, आपके पैसों पर ज्यादा रिस्क नहीं लेता था। बट ये जो नया फंड मैनेजर है, इसने बहुत ज्यादा पैसा सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, दैट मींस ये आपके पैसों पर ज्यादा रिस्क ले रहा है इन द होप ऑफ गेटिंग मोर रिटर्न्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्टिकुलर सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल फार्मा, अगर फार्मा ने बहुत अच्छा किया तो उस फंड के रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज से बहुत बेटर आएंगे, मे बी वो टॉप रैंक्ड फंड बन जाए। बट अगर फार्मा सेक्टर ने अंडर परफॉर्म कर दिया तो बहुत सारे फंड्स उससे बेटर रिटर्न देंगे, बट आप ही का फंड अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाएगा। बट वो बेट अगर उल्टी हो गई तो मोर रिटर्न्स की बजाय मोर लॉसेस भी जनरेट हो सकते हैं। तो हाँ, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आपको यही स्टाइल पसंद आता है, तो आप इस फंड में बने भी रह सकते हो। बट आप अगर एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और आपको ये इन्वेस्टिंग स्टाइल पसंद नहीं है, तो उस समय आपको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि इस म्यूचुअल फंड से निकलना बेटर है। अगला रीजन म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने का इज टैक्स हार्वेस्टिंग, और इसको आपको स्ट्रेटेजिकली और बाकी रीजंस के साथ कंबाइन करके यूज करना पड़ेगा। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय टैक्स हार्वेस्टिंग, इसको समझने के लिए आपको टैक्स रूल पता होना चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का। अगर आपने अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स फॉर दैट मैटर 12 महीने तक होल्ड करने के बाद सेल करें, और सेल करने के बाद जो आपको प्रॉफिट हुआ, अगर वो प्रॉफिट 1,00,000 रुपए तक है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर प्रॉफिट 1,00,000 रुपए से ऊपर है तो ऊपर वाले अमाउंट पर आपको 10% टैक्स देना है। अब इस रूल को हम अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपने 5,00,000 रुपए इन्वेस्ट करें 10 साल के लिए और कभी भी विड्रॉ नहीं करें। 10 साल बाद वो 5,00,000 रुपए हो जाते हैं 15,00,000 रुपए। अब उस समय आप अगर विड्रॉ करोगे तो आपका टोटल प्रॉफिट होगा 10,00,000 रुपीज का, जिसमें से 1,00,000 रुपए हो गए एग्जेम्प्ट। 9,00,000 रुपए पर आपको 10% यानी 90,000 का टैक्स देना पड़ेगा। बट वॉट इफ जब भी आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी आपकी होल्डिंग्स जब 12 महीने पुरानी हो जाती हैं, उस टाइम पर आप अंडर 1,00,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है उसको रिडीम करके री इन्वेस्ट कर दो। एग्जाम्पल के लिए आपने 5,00,000 अभी इन्वेस्ट करे, 1 साल बाद वो हो गए 6,00,000 रुपए। उस टाइम पर आपने ये 6,00,000 रुपए निकाले और री इन्वेस्ट कर दिए, तो आपका पोर्टफोलियो पहले सिनेरियो में दिखा था 5,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट एंड 1,00,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट, बट आपने इसको निकाल कर री इन्वेस्ट कर दिया। अब ये शो करेगा 6,00,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट एंड 0 प्रॉफिट। बात तो अभी भी वही है, आप लॉन्ग टर्म वेल्थ तो उसी रफ्तार से क्रिएट करोगे, बट आपने अपने प्रॉफिट को जब बुक किया और री इन्वेस्ट कर दिया तो अब आपका जो न्यू प्रॉफिट है वो 0 हो गया ऑन पेपर। एंड लेट्स से आपकी पूरी 10 साल की जर्नी में आपने 10 बार 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट रियलाइज करके री इन्वेस्ट कर दिया, तो आपने सिर्फ 1,00,000 रुपए का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं किया, आपने 10,00,000 रुपए का एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया एंड वो 90,000 का टैक्स आपने सीधे सीधे बचा लिया। हाउएवर, इसको करने के काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनका खास ध्यान रखना पड़ता है, एंड अगर आप कुछ 1-2 साल से इन्वेस्टिंग करते आ रहे हो तो डेटा ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कब कौन सा म्यूचुअल फंड रिडीम करना है और किस तरीके से रीइन्वेस्ट करना है ताकि नुकसान ना हो जाए। तो इसका वीडियो बन रहा है, डोंट वरी, बहुत जल्दी आ जाएगा।
तो ये थे वो पांच बहुत बड़े रीजंस जिनकी वजह से आपको म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना चाहिए, ताकि आप अपना पोर्टफोलियो रिस्क कंटेन कर सकें एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं तो उसका फायदा उठा सकें। प्लीज लेट मी नो और कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियो देखना पसंद है। कुछ टॉपिक्स हैं जो आई नो मैंने क्लेम कर रखे हैं एंड मैं ही लेट हो गया, उसके लिए अपॉलोजीज। ईटी मनी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।